नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव धीरज है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए। मुझे पहला ब्रांड डील की तरफ से स्पॉन्सरशिप का मेल आ गया है। जो ये मेल है वो है हमारे नेस्ले इंडिया का, और वो चाहते हैं कि मैं मिल्कमेड के लिए कुछ वीडियो शूट करूं। आपको मालूम होगा मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की कुकिंग वीडियोस नहीं बनाता हूँ, पर मैं शेफ़ हूँ, आप लोग सब जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ। पर मैं आपको यहीं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग बाकी वीडियोस भी देखते होंगे, बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखते होंगे, जहाँ से आप लोग सीखते होंगे कि किस प्रकार से आपको चैनल बनाना है, कब आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो आपको अधिकतर बताया जाता है कि जब लगभग आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब जाके आपको जो ब्रांड्स हैं वो जाके आपको आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको आपको स्पॉन्सरशिप में लेने के लिए, तब जाके वो आपको पैसे पे करते हैं। पर मेरी मानिए, मैंने कहीं किसी को कुछ मेल नहीं किया, ये मेरे पास अपने आप ही आया है। पर ये क्यों आया है? क्योंकि मैं यूट्यूब में लगभग 8 या 9 महीने से काम कर रहा हूँ, और करंट सिचुएशन में अगर देखें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ मात्र 11,500 सब्सक्राइबर हैं। मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है, जी हाँ, लगभग लगभग 5 महीने में भी महीने में ही मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। मेरे व्यूज़ अभी भी ज़्यादा नहीं आते। इस समय अगर मैं पर डे व्यूज़ की बात करूँ तो लगभग 6,500-7,000 आ गए हैं, आ जाते हैं मेरे यूट्यूब में। मैं अपनी टोटल इनकम तो नहीं बताऊंगा अब तक कितनी हो गई है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई इनकम आई ही नहीं है, सबसे पहली बात है, और जो इनकम है वो $100 से ज़्यादा है। मैं सिर्फ अभी इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की कई सारी पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग भी जो कि YouTube पे काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, अपने चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको मैं सिर्फ यही राय देना चाहूँगा, यही अपनी सलाह देना चाहूँगा कि उन्हें किस प्रकार से काम करना है, ताकि वो भी एक अच्छे यूट्यूबर बन पाएँ, एक अच्छे इंसान बन पाए, और हमारी कंट्री को आगे सर्व कर पाएँ। क्योंकि मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ, जब भी कुछ बताता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे देश को भी यहाँ से फ़ायदा हो। जो भी हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार की जिंदगी में, और सबसे बड़ा हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं, उनकी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मेरी वीडियो बनाने का कोई भी मकसद नहीं है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, मैं क्लाउड किचन की बात करता हूँ, मैं शिप जॉब की बात करता हूँ, मैं आपको मोटिवेशन देता हूँ, मैं आपको खाना बनाना नहीं सिखा रहा, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो अगर आप पूरा टोटल अगर मेरे पूरे उसको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर एज ए ब्रांड काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एज अ ब्रांड यहाँ पे बनाने में लगा हूँ, और जिसकी मैं कहीं हद तक सफल भी हुआ हूँ। लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई सारे शेफ़ लोग आ गए हैं जो मेरी तरह मेरे ही टॉपिक्स कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। पर यहाँ पे सिर्फ देखने वाली यही बात है कि कौन कितने लंबे समय तक इस गेम में रुकता है। जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। आपने कई सारे बिजनेस कोच भी देख लिए होंगे, जिनको कि मैं अधिकतर बोलता हूँ क्लाउड किचन कोड, क्लाउड किचन कोड कोच, वो भी मेरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि भैया उनके भी कुछ कोर्सेज बिक जाएं, अगर शेफ़ लोगों के बिक रहे हैं, सबका अपना अपना काम है, चलता रहेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने आप को एज ए ब्रांड बनाना यूट्यूब पर, क्योंकि कुछ समय बाद आप देखेंगे मेरे खुद के मर्चेंडाइज़र आ जाएंगे, टी शर्ट्स आ जाएंगी, जो कि मेरा फ्यूचर के प्लान है। इवन मेरी अभी क्लासेस भी चल रही हैं, जो मेरी बुक्स ले चुके हैं, मेरे कोर्सेज ले चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। इवन आप लोग अगर मेरे व्हाट्सअप पे, मेरे इंस्टा पे मेरे साथ नहीं है, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्टा पे, तो वहाँ पे मैं उनके फीडबैक्स डालता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उनकी लाइफ में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यही सारी चीज़ें जो ब्रांड्स हैं वो देखती हैं कि भैया कौन बंदा किसकी लाइफ में क्या चीज़ें डाल पा रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ब्रांड उसके पीछे लग जाते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपके 5,000 सब्सक्राइबर, क्या 1,000 सब्सक्राइबर भी हैं, अगर आपके पास अच्छे जो आपके व्यूअर्स हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो ब्रांड आपको साइन करने के लिए आपके पीछे घूमेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप उनसे कितना चार्ज करें। आप चाहे तो 5,000, चाहे तो 50,000, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या होगा, अपनी ब्रांड को यहाँ पे यूट्यूब पे स्थापित करने के लिए आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। आपको रेगुलर काम करते जाना है, ये नहीं कि एक चैनल पे, एक वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर आप छोड़ दे रहे हो, कभी हफ्ते में 2 वीडियो बना रहे हो, कभी हफ्ते में बना ही नहीं रहे हो, कभी महीने में 1 वीडियो बना रहे हो। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैंने लगभग 400 वीडियो कम्प्लीट कर दी है। एक साल भर भी नहीं हुआ है, 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी है, और लगभग मैं रोज़ 1 वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मुझे देख रहे हैं वो मुझे जानते हैं, मैं हर वीडियो में उनको वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और हर बार उनको कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ।
अगर यकीन मानिए, अगर यही चीज़ें जिस तरीके से मेरे चैनल का ग्राफ चल रहा है, अगर अगर मैं वीडियो सिर्फ हफ्ते में दो डालता तो आप देख लीजिए जो मैंने अभी सफलता, या मेरे 12,000 सब्सक्राइबर हो गए, 11,500 हो गए हैं, या मेरी जो इनकम होगी वही होने में मुझे 2 साल लगते। वहीं मैं रेगुलर करता गया करता गया, रोज़ 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 मैं डालता गया, तो कम से कम 4.5 महीने में मेरे जो 4,000 घंटे पूरे हो गए थे और 100 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे, और मुझे सिर्फ मात्र 10,000+ सब्सक्राइबर पे मुझे ब्रांड डील्स भी आने लगी है। पर वहीं जब मेरे मात्र 5,000 सब्सक्राइबर थे, उस समय ही मैं समझ गया था कि भाई मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे मोनिटाइज भी करना है। दूसरा, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो मोनिटाइज ही है। जी हाँ, हम कभी भी ऐसी, अब मैं आप लोग हमेशा बोलता, आप लोग ऐसी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाइए जिसे कि आप बाद में जाके मोनिटाइज कर सके, जहाँ से कि आप कुछ अर्निंग कर सके, क्योंकि जहाँ पे अर्निंग नहीं होगी आपका इंटरेस्ट वहाँ से धीरे धीरे चले जाएगा। जो भी मेरी तरह वीडियोस बना रहे हैं, आप देखिए कुछ समय बाद वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो उसमें कुछ भी इनकम का सोर्स ऐड नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ यूट्यूब में जो यूट्यूब की जो इनकम होती है उससे आपका काम चल जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। मुझे भी लगभग 1 साल करीब होने वाला है, अभी तक मुझे एक सिंगल पैसा भी नहीं मिला है। वहीं अगर एक्चुअल जो मैं कमा पा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, मैं बोलूँ तो मैं वो 5 फिगर का, जो जो 5 फिगर होता है, लाख तक का आप बोल सकते हैं, उससे प्लस का भी मैं पर मंथ में यहाँ से कमा पा रहा हूँ। और ये सिर्फ वही है जो मैं अपने कोर्सेज और बुक्स के थ्रू आप लोगों को दे पा रहा हूँ। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि आपको भी इस तरीके से कुछ मोनिटाइजेशन ऐड करना होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के साथ सेल करनी होगी, क्योंकि आपको हर किसी को एंड टू एंड सोल्यूशन देना होगा। मैं आपको बताता हूँ कुकिंग के बारे में, शिप के बारे में, पर मैं आपको उसके बाद कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर वीडियोस का क्या फ़ायदा है। तो वहीं अगर आप यहाँ पे बुक्स दे रहे हैं लोगों को, अपने कोर्सेज दे रहे हैं, जो भी क्लाउड किचन का मुझे देखते हैं, मैं उनको कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ कि उनको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाती है। कोई अगर वैसे जाएगा तो उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी के, वहीं उनको चीज़ें वो 10,000, 15,000, 20,000 में मिल जाती हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। दूसरा, यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस बनानी है जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। आप ऐसी चीज़ें मत पकड़ लीजिए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि भैया मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे। क्योंकि देखिए, मैं कुकिंग की वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं रेगुलर कुकिंग की वीडियोज़ नहीं डाल सकता। यहीं जब मैं ऐसे बोलने वाली वीडियोज़ बना रहा हूँ, रोज़ रोज़ बना रहा हूँ, तो देखिए अपने आप ही चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और इवन अगर आप खाने वाली वीडियोस के लोगों के जाके व्यूज देखेंगे और मेरे व्यूज देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम है, पर वहीं अगर मैं बात करूं मोनिटाइज की, पैसों की, मैं उनसे ज्यादा यहां पे अर्न कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो मैं यहाँ पे बोलूँगा, हमेशा अपने वीडियोस इस प्रकार से बनाइए कि वहाँ पे आपको आप कई चीज़ें ऐड कर सके। क्योंकि जो मुझे अभी देख रहा है, मान लीजिए कोई 12वीं में जो बच्चा है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चा है, कभी ना कभी वो बड़ा तो होगा ही, और जब वो बड़ा होगा तो वो नौकरी भी ढूंढेगा, नौकरी ढूंढने के बाद वो अपना बिजनेस भी करेगा। तो आपको इस तरीके से अपनी टॉपिक्स रखने हैं कि उसकी लाइफ का पूरा सर्कल ऐड हो रहा है। मेरी माने मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो बच्चों के लिए हैं, जो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो शेफ़ लोग हैं उसके बाद अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, और उसके बाद अगर वो लाइफ से थक चुके हैं, हार चुके हैं, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें जो कि ब्रांड्स हैं आप में ढूंढने की कोशिश करता है। अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी करते हो तो ब्रांड ब्रांड आपके पीछे आएगा, चाहे आपके 1,000 सब्सक्राइबर क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप खुद का चैनल भी बनाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें भी हेल्प जरूर करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।